कभी गूगल पे का कुछ प्रॉब्लम है, आप भी कस्टमर केयर से बात करना चाहता है गूगल पे का, तो सिंपली आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। आज हम आपको दिखाएंगे चैट के थ्रू कैसे गूगल पे जो प्रॉब्लम है हेल्प एंड फीडबैक से कैसे आपका जो प्रॉब्लम का जो सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा है जो डायरेक्ट आप नंबर से भी बात कर सकते हैं उन लोगों से। तो कैसे निकालने का, सिंपली आपको सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर में जाकर आपका गूगल पे सर्च करके आपको पहले अपडेट कर देने का, जो ऐप जो अपडेट होता है तो ही बराबर काम करता है। तो मेरा ऑलरेडी अपडेट है तो मैं अभी फ़िलहाल ओपन कर लेता हूँ। तो अपना जो गूगल पे है वो ओपन हो चुका है, और अभी हमको कस्टमर केयर से चैट करना है या कस्टमर केयर का नंबर चाहिए होता है तो जानने के लिए सिंपली आपको ये आपका जो गूगल पे का लोगो है राइट साइड पे इसमें क्लिक करने का, और क्लिक करने के बाद आपको कुछ नीचे आने के बाद आपको सबसे नीचे देखने के लिए मिलेगा गेट हेल्प, इसमें क्लिक करने का, और इसमें क्लिक करने के बाद आपको जो फर्स्ट वाला ये आइकन दिख रहा है वो छोड़ देने का, सबसे नीचे आने का, आपको नीचे आने के बाद आपको ये इधर दिखेगा कंटेंट सपोर्ट, इसमें क्लिक करने का, और क्लिक करने के बाद आपको इसमें कुछ भी मतलब सर्च करना है, सर्च बोले तो आपका जो प्रॉब्लम है वो भी डाल सकते हैं। मैं फ़िलहाल अभी देख सकते हैं गूगल जी लिखने का बाद तुरंत इधर देख सकते हैं कॉन्टैक्ट करने का जो इंडिया का गूगल पे का जो इंडिया का कॉन्टैक्ट कस्टमर केयर नंबर है तो ये दिखा रहा है। तो इसमें क्या करने का, अपन सिंपली क्लिक कर देने का, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा देख सकते हैं जो कि इंडिया का ही है कस्टमर केयर नंबर गूगल पे का। तो सिंपली क्या करने का, ये नंबर पे आपको फ़ोन करने का और आपका जो प्रॉब्लम है वो बताने का, या सिंपली अभी ये नंबर अभी अपन ने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद आपको क्या करने का, जो भी आपका गूगल पे है उसी सिम से कॉल लगा देने का, तो सबसे अच्छा रहेगा वही ट्रिक। तो आपका जो गूगल पे नंबर लॉगिंग है वही नंबर से फ़ोन लगाने का। मैं डायरेक्ट डायल पैड में गया, और डायल पैड में जाने के बाद तुरंत अपन ने नंबर ऑलरेडी आ गए देख सकते हैं। तो नंबर आने के बाद आपको क्या करने का, कॉल लगा देने का गूगल पे नंबर से ही। तो ये नंबर से कॉल डाल दिया, तो देख सकते हैं कॉल अपना जो है वो लग चुका है। देख सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपका जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज को इधर सेलेक्ट करने का, और आपका जो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम उनको बताने का, और इस तरीके से आप आपका जो गूगल पे का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को सोल्यूशन करके ठीक कर सकते हैं। और आपको ये भी दिखा देते हैं जो ट्रू कॉलर में आता है, इसका जो नंबर कॉपी कर लिया आपको। अभी कॉपी करने के बाद आपको इधर ट्रू कॉलर जाने का, ट्रू कॉलर में इधर सर्च में भी करेगा, आपको दिखाएगा डायरेक्ट ये गूगल पे का, देख सकते हैं ट्रू कॉलर में भी दिखा रहे हैं गूगल पे इंडिया कस्टमर केयर नंबर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर दोनों कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरीके और भी वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर देने का, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देने का। इस तरीके से आप आपका जो गूगल पे का जो प्रॉब्लम है वो आप इस तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर लेके आपका जो प्रॉब्लम है वो बता सके उन लोगों के, और आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए।